बच्चे कहते हैं कि क्यूब रूट निकालने की क्या कोई ऐसी टेक्निक है आसान जो हमको प्राइम फैक्टर ना करने पड़े, तीन तीन के ब्लॉक ना बनाने पड़े और उसमें दिक्कत हो रही है उन्हें, छोटे बच्चे हैं उन्हें दिक्कत हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि क्या कोई ऐसी टेक्निक है किन्हीं भी नंबरों की परफेक्ट क्यूब नंबर होने चाहिए, उनका क्यूब रूट निकालने की मैं आज आपको तरकीब बता रहा हूँ। तो देखिए पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, मैंने नंबर लिखे हैं 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, ये सारे क्यूब लिख दिए, 10 का क्यूब 1000, 9 का क्यूब 729। हमको कुछ नहीं करना, हमको कोई भी नंबर लीजिएगा उसको निकालने का तरीका देखिएगा, लेकिन ये बात याद रखिएगा जिसका क्यूब रूट निकाल रहे हैं उसको परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। जैसे पहला सवाल है 19683, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे, या ऐसे भी लिख सकते हैं 19683 का 1/3, या और ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाइंड क्यूब रूट ऑफ 19683। ये बेसिक मैंने आपको समझाया, अगर आपका सवाल ऐसे आएगा तब हम समझ जाइएगा कि ये क्यूब रूट का है, ऐसे आए 1/3 पावर में लिख कर तब भी क्यूब रूट है, अगर डायरेक्ट लिख दिया क्यूब रूट है तो क्यूब रूट होते ही है, ठीक है। चलिए सवाल देखिएगा, देखिए तो मुझको पहले 19683 का क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट निकालने के लिए आपको तो पता है कि 3-3 के ब्लॉक बनते हैं, पेयर नहीं, पेयर 2-2 के बनते हैं, 3-3 के ब्लॉक। चलिए एक मैंने ये बना लिया और एक ये बना लिया, आपको इसमें कुछ नहीं करना, इसका काम खत्म हो जाएगा। यूनिट प्लेस पर देखिए क्या है 3, इसका क्यूब करिए क्यूब 27, वेरी गुड, 27 पे यूनिट प्लेस पे क्या आया 7, तो पहला आंसर आ गया आपका 7, 2 डिजिट का नंबर है, 2 ब्लॉक बने तो 2 डिजिट का नंबर होगा, तो 27 का 7 आ गया। अब 19 पर दूसरा ब्लॉक लिख लिए 19 को देखिए किस किस नंबर के बीच में आ रहा है, 3 का क्यूब होता है 27 और 2 का क्यूब होता है 8, तो स्मॉलर नंबर ले लीजिए, इसका क्यूब है तो किसका है 2 का, तो ये आंसर आ गया इसका 27। वैसे भी अगर आप समझेंगे इसको तो मैं इसका और दूसरी टेक्निक भी बता रहा हूँ आपको, बहुत आसान टेक्निक बता रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, जिसमें आपको क्यूब भी ना करना पड़ेगा। देखिएगा 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, यूनिट प्लेस 8 आया, 2 का यूनिट प्लेस क्या आया, 2 का अगर क्यूब है तो उसका यूनिट प्लेस क्या है 8। चलिए 3 का क्यूब का 7 है, 3 का क्या है 7, बाकी सब वही है, 4 का अगर 4 का क्यूब करेंगे तो यूनिट प्लेस पर 4 आएगा, 5 का करेंगे तो 5 आएगा, 6 का करेंगे तो 6 आएगा, 7 का करेंगे तो 3 आएगा, 7 का करेंगे तो 3, यानी ये वाला चेंज हो जाएगा, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, 2 का 8, 8 का 2, 0 का 0, 9 का 9, 1 का 1, सबका वही आ रहा, तो मैं क्यों करूं भाई, इतना भी दिमाग क्यों लगाऊं, तो मैं तो आसान टेक्निक बता रहा हूं। अब दूसरा नंबर लीजिएगा, अब बहुत अच्छी तरकीब से करेंगे, 4 6 6 5 6 ब्लॉक बना लीजिए, 2 ब्लॉक बने, 3-3 नंबर के 2 ब्लॉक बने, तो इसका मतलब आंसर इसका 2 ही नंबर में आएगा, पहले ब्लॉक का कोई काम नहीं है, केवल ये यूनिट प्लेस ले लीजिए 6 6, अगर आप चाहें तो 6 का क्यूब कर लीजिए, 216 होगा, उसका यूनिट प्लेस भी 6 आएगा, फिर मैंने यहाँ बताया आपको कि 6 का अगर क्यूब करेंगे तो यूनिट प्लेस 6 ही आता है, तो आंसर 6 आ गया, पहला डिजिट आ गया। दूसरे के लिए 46 लीजिए, ये खत्म हो गई, अब 46 लीजिए, 46 को देखिए किस किस के बीच में, 4 का क्यूब क्या होता है 64 और 3 का क्यूब होता है 27, तो ये 27 4 64 के बीच में है, यानी 27 3 का क्यूब हुआ तो ये 3, तो इसका आंसर आ गया 36 36 इंटू 36 इंटू 36 अगर आप करेंगे तो यू विल गेट 46656। आया समझ में? चलिए दूसरा सवाल करते हैं, 1663 75,
इतने ब्लॉक बने इसके, दो दो पेयर बने तीन तीन नंबर के। चलिए पहले का पांच, तो हमने आपको बताया पांच का क्यूब करेंगे तो यूनिट प्लेस पे पांच ही आएगा, पांच का तो पांच आता ही है, केवल इंटरचेंज होता है दो, टू का एट, एट का टू, थ्री का सेवन, सेवन का थ्री, बाकी सब सेम है। तो चलिए तो इसका आंसर आ गया पांच, इसकी बात खत्म, अब इसे इस्तेमाल नहीं करना। अब आइए 166, 166 देखिए, सिक्स का क्यूब क्या होता है 216, 216, और फाइव का होता है 125, स्मॉलर इसमें स्मॉलर कौन सा है 125, तो 125 किसका क्यूब है, फाइव का, तो ये हो गया फाइव, तो ये आंसर आ गया 55, क्यूब रूट निकल के आ गया इसका 55। आप 55 को 55 को 55 को अगर तीन जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका यही आएगा, समझ गए। चलिए ये कौन सा क्वेश्चन था, थर्ड, और ये कौन सा था, सेकंड, समझ में आए। चलिए आगे चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं, अब आपको लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखिए 287, ब्लॉक बना लीजिए तीन तीन के, ये दो बन गए तीन तीन के, दो पेयर बन गए तीन तीन नंबर के, ठीक है। फोर सिक्स, सिक्स का क्या होता है, सिक्स का क्यूब करो तो 216 होता है, यूनिट प्लेस पे सिक्स आया, या सिक्स का तो सिक्स होता ही है, केवल दो चेंज होते हैं, थ्री का सेवन, सेवन का थ्री, टू का एट, एट का टू, बाकी सबका यूनिट प्लेस वही होता है जो नंबर होता है। पाँच का यूनिट प्लेस पाँच, चार का चार, एट का दो, और सात का तीन, और दो का एट, नाइन का नाइन, जीरो का जीरो, वन का वन, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की। चलिए तो आप देखिए इसका क्या आया, सिक्स। अब 287, 287 बताइए किसका होता है, सेवन का क्यूब क्या होता है, थ्री फोर थ्री होता है सेवन, और सिक्स का 216, दोनों के बीच में आ रहा है ये, तो 216 वाला ले लीजिए, सिक्स का क्यूब होता है तो सिक्स ले लीजिए, सिक्स, ये आंसर आ गया। चलिए पांच में देखिए, देखिए कितनी जल्दी करेंगे, अब हमने आपको समझा रहे थे 658 503 दूसरा, तो ये ब्लॉक बना लीजिए, दो बने ब्लॉक तीन तीन डिजिट के, तो दो ही आंसर आएंगे, दो ही यूनिट का नंबर आएगा, ठीक है। थ्री, तो मैंने बताया था थ्री हो तो सेवन, सेवन हो तो थ्री, टू हो तो एट, एट हो तो टू, बाकी सब डिजिट के नंबर वही होते हैं, तो थ्री का आँख मीच के सेवन लिख दीजिए। अब इसको देखें 658, 658 देखिए, नाइन का क्या होता है 729, नाइन का क्या होता है 729, और एट का क्या होता है, एट का, एट का होता है 512, 512, तो ये इन दोनों के बीच में आया एट का, एट का क्या है 72, तो ये नाइन और एट के बीच में आया, तो एट ले लूँगा, एट छोटा वाला एट, ये आंसर आ गया। और देखिए छठा सवाल, 300 763 ब्लॉक बना लिए, थ्री, थ्री का क्या होगा सेवन होगा। अब 300 को देखिए किस किस के बीच में आता है, सेवन का क्या होता है, सेवन का थ्री फोर थ्री होता है, सिक्स का 216, तो इन दोनों के बीच में आया तो छोटा वाला ले लीजिए, सिक्स वाला, सिक्स का, तो क्या आएगा 300, इसमें देख लीजिए आप, इसमें देखिए 300 नंबर जो है वो इन दो के बीच में आ रहा है, तो मैं ये लूँगा सिक्स, नहीं आई समझ में, आ रही है। चलिए आप मिटा देते हैं या यहाँ कर देते हैं एक सवाल और, सेवन, चलिए सेवन देखिए, सेवन देखिए क्या है 592 704। चलिए सर जी, मैंने तीन तीन नंबर के तीन तीन डिजिट के मैंने पेयर बना लिए, चलिए बन गया 704। फोर का क्या होगा, यूनिट प्लेस फोर का क्या होगा, फोर का क्यूब करो 64, फिर भी फोर ही तो आएगा यूनिट प्लेस पर, या चार का चार तो होता ही है, तो चार आ गया, तो इसकी बात खत्म। अब इस पर आइए 592 पे, देखिए 592 किसके बीच में है, 592 इन दो नंबर के बीच में, तो किसका, नाइन और एट के बीच में, तो एट लूंगा छोटा वाला, एट, एट, ये आंसर आ गया, आ गया 84। चलिए आठवां सवाल भी देख लीजिए हाथों हाथ, 778 688 आठ का क्या होगा दो, वेरी गुड, तो ये खत्म हो गया। अब इस पे आइए 778 देखिए कहाँ पर है, 1000 और 10 के और 9 के, तो 9 का देखिए, देखिए 778, तो ये वाला लूँगा छोटा, छोटा कहाँ का 9 का, तो 9 लूँगा, तो ये 92 आंसर आया।
आया और देखिए नाइन्थ भी देख लीजिए, यहीं देख लीजिए नाइन्थ। नाइन्थ क्या है 1295 5029 5029। चलिए साहब तो ब्लॉक बना लीजिए, पहला ये बना और दूसरा ये पूरे नंबर का बन गया, देखेंगे अभी। तो 29 9 का क्या होगा उधर देख के बताइए, 9 का क्या होगा, 9 का 9 ही होता, 9 का 9 ही होता। तो ये तो आंसर आ गया 9, ये ख़त्म हो गया। अब आप देखिए 1295 किस किस के बीच में है, 11 का क्या है 1331 और 10 का क्या है, ये तो ये किसके बीच में है 10, तो ये हो गया 109। दिस इज द आंसर। बोलो समझ में आई बात नहीं आई? अब लास्ट क्वेश्चन रह गया, अब तो बहुत ही आसान है, आप अपने आप भी कर लेंगे। चलिए देखिएगा, चलिए लास्ट क्वेश्चन करके देखते हैं साहब क्या है लास्ट। 4096 अरे 4096 चलिए ब्लॉक बना लिया एक बना 4 9 6 6 यूनिट प्लेस पे क्या है इसके 6। ये किसका क्यूब रूट होता है, 6 का क्या आता है, 6 किसका होता है, हाँ बोलो 6 का ही होता है। 6 का क्यूब रूट करें, क्यूब करिए तो 216 216 का क्या आएगा यूनिट प्लेस पे 6 ही तो आएगा। वैसे भी 6 का यूनिट प्लेस पे इनके क्यूब जो है वो 6 ही आते हैं, तो ये आंसर हो गया 6। अब 4 रह गया, 4 ओनली 4। बोलो किस किस के बीच में है, 2 के और 1 के बीच में है 4, तो किसको लेंगे छोटा वाला 1, वेरी गुड 1। अब आप 16 का क्यूब करके देख लीजिए, 16 × 16 × 16 आपका आंसर यही आएगा। तो बच्चों आपने क्यूब रूट निकालने की टेक्निक सीखी आसानी से, कोई टिप्स में कुछ नहीं है। कोई सा सवाल ले लीजिए, 500 ये वाला लेता हूँ, 3 का क्या होगा यूनिट प्लेस पर 7, सम 10 आता है, तो 3 का 7, 7 का 3, या 8 का 2 और 2 का 8, बस ये याद रखिए बाकी सबके डिजिट वही आते हैं, सेम आते हैं, ठीक है। मैंने कौन सा कहा ये, तो 3 का क्या आंसर हो गया 7, तो मैं इसे लिख दूंगा 7, ये लिख दिया। अब आइए 658, और 658 देखिए किसके बीच में, इन दो के बीच में 658, तो छोटा वाला लेंगे 8, ये हो गया 8। अब आप क्यूब करके देख लीजिए कैलकुलेटर से, आपका यही आएगा। तो बच्चों आपके समझ में अवश्य क्यूब रूट निकालना परफेक्ट क्यूब नंबर का आ गया होगा, आसान टेक्निक है, बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैंने करा। अब मैं उन बच्चों से पूछूंगा जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि बेटा कैसा लगा, ठीक है, समझ में आया आप लोगों के, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आप करते नहीं हैं, आप सब्सक्राइब तो करते ही नहीं हैं, इसीलिए मेरे वीडियो बीच में बंद हो गए, ठीक है। चलिए सब्सक्राइब करिएगा, धन्यवाद।